नमस्कार बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि डाइट का रिजल्ट जो जारी हो चुका है, अब काउंसलिंग की बात है। तो अभी काउंसलिंग की डेट जो है इन्होंने घोषित कर दी है कि कितने तारीख से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। और इन्होंने जो डाइट में टॉप 10 बच्चे थे उनकी इन्होंने रैंक दी है, उनके मार्क्स दिए, उनकी कैटेगरी दी है, और जो कौन कौन से शहर से जो टॉप 10 बच्चे आए हैं तो उनकी इन्होंने जो है PDF के माध्यम से हमें जानकारी दी है। ये ऑफिशियल जानकारी है। मैं आपको कैसे आपके मोबाइल से डाउनलोड करना है, या तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखूंगा, आप लोग से डायरेक्ट जो है आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने फ्रंट पेज पर रखा है, पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा जो आपने दिया था, जिसका 14 दिसंबर को रिजल्ट आया था। तो चलिए, मैं आपको कैसे इसे डाउनलोड करना है, कैसे बच्चों की मेरिट लिस्ट देखना है, और इनके नंबर जो इन्होंने टॉप 10 बच्चे दिए हैं इनके रैंक के अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो जो हाईएस्ट मार्क्स जिन विद्यार्थियों ने लाए हैं मैं उसका आपको बता देता हूँ PDF को डाउनलोड करके, ठीक है। चलिए, आपको जाना है पहले गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद आपको क्या करना है, वहां से आपको PEB सर्च करना है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सर्च करना है। तो इस तरीके से आप लोग होम पेज पर आ जाएंगे। जैसे कि होम पेज आपको दिख रहा होगा, ये होम पेज है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का। यहां से आपको कहां क्या चूज करना है, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा परिणाम, किस पर चूज करना है, परिणाम को आपको चूज करना है। तो चलिए, परिणाम को आपने चूज किया तो यहाँ पर दिख रहा है आपको PVFT और दिख रहा है डाइट। तो इन्होंने डाइट का जो है यहाँ पर दे दिया है नोटिफिकेशन। तो ये देखिए रिजल्ट नोटिस, यहाँ पर रिजल्ट नोटिस पे आपको क्लिक करना है, इस तरीके से रिजल्ट नोटिस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से इसको डाउनलोड करना है, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एक डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, डाउनलोड हो रहा है अभी, देखिए डाउनलोड हो चुका है और ये खुल चुका है। देखिए यहाँ पर देखिए रूल बुक लिखी हुई है, आपको ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया मैंने, रूल बुक 2020, मतलब ये अभी अभी ही आई हुई है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ने इसे जारी किया है। डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री एंट्रेंस एग्जाम 2020 आपका एग्जाम हुआ था 7 नवंबर को, और जो आपका रिजल्ट दिया था इन्होंने 14 दिसंबर को। दिख रहा है गाइस आपको यहाँ पर ऑफिशियल 14 तारीख यहाँ पर सब दिखा हुआ है। देखिए, मैं आपको टॉपर की लिस्ट बता दूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कब से जो है इन लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, टॉपर की लिस्ट यहाँ पर दी है, तो हाइएस्ट टॉपर जो डाइट में सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है सुभोष, ठीक है, जो सुभोष जी है इन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है, 73 मार्क्स लाया है, जो जबलपुर से है। कहां से, जबलपुर से है सुबोध जी है, जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्क्स लाया है वह जबलपुर से है। फिर हिमांशु है, भावना है, भावना टॉपर जो स्टूडेंट, टॉपर जो गर्ल्स में टॉप किया है, जिन्होंने 62 मार्क्स लाए है, और वह उनकी कैटेगरी है ओबीसी। ओबीसी जिनका नाम क्या है, भावना, नीलेश, फिर है शरद कुमार, आहना, फिर है उसका उसके बाद है सागर, महर्षि, अंकित जी है, इन्होंने जो टॉप किया है। तो देखिए टॉप 10 51 में गई है, ठीक है गाइस। जो टॉप 10 इन्होंने बच्चों की लिस्ट दी है, कितनी दी है, 91 नंबर दी है। तो आपको जो 300 प्लस इसकी सीटें है, कितनी है, 300 प्लस इसकी सीटें है, तो देख लीजिएगा आपके कितने मार्क्स पर जाने वाले। तो 30 से 40 मार्क्स अकॉर्डिंग ही आपका जो है यहाँ पर कॉलेज मिल सकता है आपको। 40 मार्क्स जो अकॉर्डिंग आपका है तो आपको कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूं मैं। चलिए, अब इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है, रूल बुक दिया है काउंसलिंग को लेकर, तो चलिए मैं बता दूं आपको क्या क्या निर्देश दिए इन्होंने। तो इन्होंने निर्देश दिए हैं 7 तारीख को मध्यप्रदेश के भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर में शहरों में डिप्लोमा इन एनिमल हस्बेंड्री का आयोजन किया गया था। मतलब 7 को आपको एग्जाम का यहाँ पर दिया गया था ना, यहाँ पर जो पॉइंट दिए देखिए, इस परीक्षा में माध्यम से नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत मध्य प्रदेश पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा द्वितीय, मतलब 2 साल का आपका कोर्स है, पाठ्यक्रम प्रथम प्रवेश दिया जाएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पर आपको पहली बार में प्रथम जो है यहाँ पर दिया जाएगा। इन्होंने कहा है, इस परीक्षा में प्रवेश सूची में के प्रथम 10 स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया था आपको टॉप 10 विद्यार्थी उनके सर, यहाँ पर जो सेकंड इन्होंने दिया है वही इनके बारे में इन्होंने बताने। थर्ड में बोला है, इसे परीक्षा उपरांत अभ्यर्थियों को अभ्यावेदन, मतलब आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसमें आपको यहाँ पर दिया है कुंजी भी दे दी गई थी, बोले इन्होंने परिणाम भी घोषित कर दिया था। तीसरे इसमें यह कहा है, इसमें मेन बात मैं बता दूं आपको यहाँ पर जो आपकी काउंसलिंग के लिए बात क्या कही है। देखिए, इस परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा दी गई जानकारी के तैयार किया गया, और अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र दी गई समस्त जानकारी द्वारा अभ्यर्थी को समस्त मूल्य दस्तावेज का सत्यापन परीक्षण प्रवेश के पूर्व संबंधित विश्वविद्यालय काउंसलिंग समिति द्वारा दिया जाएगा, तदुपरांत ही प्रवेश संबंधित कार्रवाई होगी। प्रवेश नियम के अनुसार अभ्यर्थी काउंसलिंग में प्रक्रिया के माध्यम से पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। काउंसलिंग के कार्यक्रम की जानकारी नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। तो गाइज, यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा, पशुपालन जो आपका डिप्लोमा कोर्स है तो इसकी जानकारी आपको नानाजी देशमुख विश्वविद्यालय जो जबलपुर में स्थित है उसके ऑफिशियल साइट पर मिलने वाली है। अब आपका PEB का काम खत्म हो चुका है, इन्होंने रिजल्ट भी दे दिया है। अब काउंसलिंग के बाद जो है नानाजी देशमुख जो कॉलेज आपको यूनिवर्सिटी उनकी ऑफिशियल साइट पर देने वाला है।
तो हमारे पास जैसे ही अपडेट आएगी, हम जो है उसके साइट पर एनी टाइम जो है विजिट करके रहते हैं। जैसे ही उनकी काउंसलिंग की डेट आएगी, अभी जैसे ही इन्होंने दे दिया, इन्होंने रूल बुक भी दे दिया, मतलब आपकी काउंसलिंग अभी जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। तो इस तरीके से यह जानकारी थी, आपके टॉपर की लिस्ट थी, टॉप 10 विद्यार्थी जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाए हैं उन्हें बहुत बहुत बधाई हो, और जिनके कम मार्क्स आए हैं तो उनका जो है राउंड में कभी नाम आता है तो उन्हें भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी, उनका भी नाम आ जाए और वह भी जो है अपनी जो है प्रिपरेशन को फिर से स्टार्ट करे। फिर से आपकी जो है वैकेंसी आने वाली है, अभी जो शेड्यूल लड़ने वाला है आपकी अप्रैल में फिर से पुनः एग्जाम होगी, तो आप लोग अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कीजिए। जय हिंद, जय भारत।